तो देख सकते हो गाइस, आप लोग देख सकते हो गाइस कितना बड़ा नदी है। इस पार से उस पार नहीं दिख रहा है, वो देखो पहाड़ है। जो पेड़ दिख रहा है वो कोई पेड़ नहीं है, पहाड़ है। और आपको दिखाना चाहूंगा, देखो गाइस उस साइड में कितना बड़ा पुल है, देख लो। ठीक है, उसे बोला जाता जुगिरगुफा पुल। ठीक है, हम लोगों के यहाँ जुगिरगुफा पुल बोला जाता है। और देख लो कितना बड़ा है, नीचे से ट्रेन जाता है, ऊपर से जो है गाड़ी जाता है। ठीक है, देखो वो देखो ट्रक ट्रक जा रहा, छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ा है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यही एकदम बहुत इसका चौड़ाई भी है और बहुत अच्छा सीन है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है, देखते रहो भाई साहब, देख लो, देखो पहाड़ है। ठीक है, वो भी देख लो पहाड़ है। ठीक है गाइस, देख लो, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ, और देख लो सब पहाड़ है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा जो है वो है। थोड़ा और जूम कम कर देता हूँ तो आप लोगों को सही से दिखेगा, देख लो गाइस। ठीक है, और ये देखो बगल में नाव है। ठीक है, थोड़ा और जूम कम कर लेता हूँ, देख लो बगल में जहाज है और समुंदर इतना बढ़िया, और हवा यहाँ मज़ेदार है, और समुंदर का पानी बहुत ठंडा है गाइस यहाँ। मतलब समुंदर क्या, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको भी समंदर समझ लो, इतना बड़ा है। इस पार से उस पार दिख नहीं रहा है। और यहाँ हमारा मामा लोग है, ये देखो। ठीक है, वो देखो हमारा ड्राइवर साहब, वो भी हमारा मामा है। सब मामा ही मामा है इधर। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, क्या बोलता पब्लिक, सब मामा ही मामा है। ठीक है, और इसमें मछली भी बहुत है। ठीक है, यहाँ देखो वो जो डंडा दिख रहा है उसमें झाल लगा हुआ है, सही से देखो, वो जो डंडा है उसमें झाल लगा हुआ है। यहाँ का लोग जो मछली शिकार करता है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारा ऐसा चीज़ देखने लायक है, और ज़्यादातर यहाँ आप फिल्म शूटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिल्म शूटिंग कर सकते हो, जैसे आपको कोई अच्छा गाने का सीन लेना हो, ये जगह बेस्ट होगा। किस लिए, अगर ये कोई अच्छा गाना हो तो यहाँ के लिए बेस्ट है। इसलिए बहुत बढ़िया पहाड़ वहाड़, बहुत बढ़िया सीन है। पुल भी ले सकते हो जूमिंग करके, जैसे आपके बगल में पुल हो जाएगा DSLR से अगर आप करोगे। मैं तो अपना मोबाइल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी बहुत अच्छा क्वालिटी है भाई, 35,000 का फ़ोन है, क्वालिटी बहुत अच्छा है और नंबर एक का क्वालिटी। यार भाई दिख नहीं रहा कुछ, हमें तो ये लग रहा साला कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, यहाँ से उस पार नहीं दिख रहा है। देख लो, देखो यहाँ से उस पार भी नहीं दिख रहा है, देख लो साला। ये हमने तो आपको जूम करके ये सब दिखा रहा हूँ, और इसलिए आप देख पा रहे हो, नहीं तो इस पार से उस पार आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, देखो मैंने जूम आउट कर दिया, देख लो। ठीक है, कितना दूर पे भाई, आधा घंटा पार होने में लगेगा। और ये है बड़ा जहाज। ठीक है, इसमें देखो सारा मटेरियल रखा हुआ है, और वो है पुल। ठीक है, वो है पुल, जुगिरगुफा पुल। ठीक है, और वहाँ देखो, और ये बिजली का तार है जो ऊपर देख रहे हो, वो बिजली, उससे बिजली सप्लाई होता है। ठीक है, वो बिजली का सप्लाई देता है, तो बिजली का घर आसपास होगा जहाँ से सप्लाई होता है। और यहाँ मछुआरे बहुत आते रहते हैं और मछली मारता रहता है। और बगल में जो डंडा देख रहे हो, मछली मार रहा है। ठीक है, इसमें झाल लगा हुआ है, तो इसमें ऑटोमेटिक मछली फंस जाएगा। और देखो कितना पानी, देखो ये मतलब पानी देख रहे हो, देखो कितना बालू बालू पानी है। ठीक है, देख रहे हो, बढ़िया ऑक्सीजन है, और भाई इतना तेज़ी से पानी हिल रहा है। ठीक है, देख सकते हो, और बहुत मज़ेदार सीन है गाइस। और भाई हमको अगर कोई गाना का वीडियो अगर शूट करना, तो मैं यहीं से शूट करूँगा, और आप लोगों को ब्लॉग वीडियो भी दिखाऊंगा, और गाने का भी सीन दिखाऊंगा, कैसे हम लोग शूटिंग किए नहीं है, तो गाने का भी सीन होगा। और और उधर उस साइड में रोड है। ठीक है, मेरा गाड़ी जो है ऑन रोड में खड़ा हुआ है, और वो देखो एक जहाज़ खड़ा है। ठीक है, और यहाँ देखो गाइस पहाड़ आड़ है, और उस पार भी लोग रहते हैं। ठीक है, उस पार भी लोग रहते हैं। ठीक है, और पानी बहुत ज़्यादा हिल रहा है, देखो आप लोग आवाज़ भी सुन सकते हो, देखो पानी कैसे हिल रहा है, पता नहीं अजीब सा है यार, पानी हिल रहा है समुंदर के जैसे। ठीक है, समुंदर ही समझो इसको। ठीक है, ये समुंदर से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, देख सकते हो बहुत बढ़िया बेहतरीन नदी है। आप लोग आसाम में आना तो यहाँ ज़रूर घूमने आना। ठीक है, और आप लोगों को आगे भी मैं दिखाऊँगा, देखो पूरा भाई एकदम एकदम मज़ा आ रहा है यार। ठीक है, और मैं आगे का भी सीन दिखाऊंगा गाइस आप लोगों को। ठीक है,